देख चुके हैं, अब हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण, एक से अधिक वर्ण। वर्ण क्या है? आपने जो ये देखिए वर्ण, इका और श, वर्ण है ये। जब ये दो जुड़ेंगे तब एक संयुक्त अक्षर बनेगा, संयुक्त व्यंजन या अक्षर। ठीक है, तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो फिर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कहां से? एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें चार प्रमुख हैं। चार कौन कौन से हैं? छत्र, ये चार है। ये एक सिंगल से नहीं बना हुआ, सिंगल मीन्स इसको आप अकेले नहीं जोड़ के बना सकते, इसके साथ दो जुड़े हुए हैं, आधा क और श। जब ये दोनों जुड़ते हैं तब जाके छत्र बनता है। तो इसमें क, आधा क और श जुड़ते हैं तब ये क्षत्रिय वाला श बनता है। अब इसी तरह आगे देखें, त, आधा त और अ त्र बनेगा, आधा त र त्र। आगे नेक्स्ट, ज और इया, ज्ञ, ज और इया, ग्र, ज्ञ। श से फलजम और प्लस आर मतलब र, श। तो आपने ये देखा, इसमें कोई भी सिंगल आप वर्ण से नहीं बना सकते, चाहे श हो, ज्ञ हो, त्र हो, अक्षत्रिय वाला च। इसमें एक भी सिंगल से नहीं बनेगा, इसमें संयुक्त मतलब ये दोनों मिलेंगे तब इसका निर्माण होगा, ये दोनों मिलेंगे तब इसका निर्माण होगा, ये दोनों मिलेंगे तब इसका निर्माण होगा, और ये दोनों मिलेंगे तब इसका निर्माण होगा। मुख्यतः ये सिर्फ चार ही हैं, इसके अलावा नहीं है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। संयुक्त जहां दो जुड़ते हैं, संयुक्त एक साथ जुड़ते हैं तब इन वर्ण का संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, द्वित व्यंजन। द्वित, द्वित में क्या? जहां पे दो मतलब वर्ण जो इकट्ठे एक ही तरह के हों, जैसे इसका देखते हैं, दो समान व्यंजनों के योग, योग मतलब प्लस, दो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कहां जुड़ता है, अब देखिए, क आधा क पूरा, क आधा च पूरा च, च। तो इनसे जो जैसे जो शब्द बनेंगे, जो हमारे जो शब्द बनेंगे वो कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लिया पक्का, अब इसमें आपने देखा इन दोनों की द्वित मतलब दो जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा गया है यहाँ पे, तब जाके ये शब्द का निर्माण हुआ है। तो जहां एक ही तरह के दो द्वित, एक ही तरह के दो जोड़ होते हैं वहां पे ये शब्द का निर्माण होता है। जैसे ये आधा च पूरा च, आधा ये हुआ कच्चा, इसका उदाहरण देख, बल्ला। तो आपने देखा ये कुछ इन द्विज अक्षरों से मिलके ये हमने व्यंजन लिखे हैं। जैसे ये पक्का, इसमें आधा का पूरा का पक्का, इसमें आधा च पूरा च कच्चा, इसमें आधा ल पूरा ल बल्ला, इसमें आधा प और पूरा प चप्पल। ऐसे बहुत से आपके द्विज व्यंजनों से शब्द निर्माण हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आप अपनी तरफ से भी ट्राई कीजिएगा घर पे कि कौन कौन से और से व्यंजन से हमारे ये द्विज व्यंजन से निर्माण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ये कहने का मतलब ये है कि आप जो हिंदी वर्णमाला है उसमें इतनी विशेषताएं हैं जिसको आपको बहुत ध्यान देना होगा, तब जाके आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर, जो अक्षर एक साथ हो संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। दो अलग अलग,
अभी पिछला हमने पढ़ा था वो एक समान जो वर्ण थे उनके लिए था, पर यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दो अलग-अलग, यहाँ अलग-अलग, तो दो अलग-अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है आधा क य क्य, आधा क य क्य, आधा च छ च च, आधा द और य द। अब इन जो अलग अलग व्यंजन है तो उनसे कुछ शब्द भी बनेंगे, जो हमारे वर्ण होंगे उसका निर्माण होगा, मतलब अक्षर क्या बन सकते हैं। तो आधा क और य क्य, अब क्या से आप क्या शब्द, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप क्या शब्द का निर्माण करेंगे। अगर आपको दिमाग में ये आया कि क्या से क्या शब्द बनेगा, थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या बनता है। सोचा आपने? नहीं सोचा है, बताइए फिर क्या है। क्योंकि मैंने लिख दिया, क्योंकि देखा आधा क और य, क्योंकि ऐसे। आप भी और सोचिए, और भी बहुत है भाई, पूरा हमारा वर्णमाला अक्षरों से भरा पड़ा है, बहुत से शब्द हैं जिनका हम रोज कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं, तो आप सोचो कि और इससे क्या बनेगा। मैंने तो यहाँ क्योंकि लिखा है। नेक्स्ट है छ, छ से क्या बनेगा, इच्छा, इच्छा, छ आधा पूरा छ छ, इच्छा। तो क्या इच्छा है आपकी, बताइए, आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। नेक्स्ट ये है द, आधा द या द, इससे क्या शब्द बनेगा, विद्या, विद्या। और भी शब्द होंगे, आप अपना लिखिएगा कि और क्या बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट मात्रा पे। मात्राएं क्या है, व्यंजन के साथ जुड़ने पर, व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, और यही मात्रा कहलाते हैं। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे ये कैटेगरी डिवाइड किए हैं मैंने, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में आता है स्वर, कौन से, आ ए ई उ। आगे मात्रा, देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आपने देखा होगा, आप क्लास 5th में हैं तो आपने देखा होगा इससे पहले कि आप पढ़ भी चुके होंगे कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, वो ऑलरेडी व्यंजन के साथ जुड़ के उसको पूर्ण करता है। जैसे क, आप ये आधा है, अ इसमें जुड़ा तो ये संपूर्ण हुआ, मतलब पूरा क हुआ, तो ये इसके साथ लगेगा, तो इसीलिए ये इसका कोई मात्रा नहीं है, ये व्यंजन के साथ जुड़ता है और उसे पूर्ण करता है, तो इसीलिए इस शब्द से क्या बन जाएगा, शब्द है कण। आप और भी शब्द अपने आप से आप लिख सकते हो, आप सोच सकते हो, आप अपने अपने हिसाब से देखना कि और क्या शब्द बन सकते हैं। मैंने तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कल लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा आता है आ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, ये आ की मात्रा, आप तो क्लास 5th में हैं तो आपको आइडिया है, ये आ की मात्रा, और उसके साथ आधा म और आ की मात्रा दिया तो म, माँ, आ माँ, मात्रा एक जुड़ी ना आ की, तो ये देखिए आ की मात्रा हमने माँ में लगाया, माँ में, और आ की मात्रा लगा दी, तो हम उसे साउंड क्या करेंगे, साउंड क्या आ रहा है, माँ, ये हो गया माँ। और फॉर एग्जाम्पल हमने शब्द ऐसे लिखे तो आ की मात्रा लगा के माला। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड में है ई, ये छोटी ई है, छोटी की मात्रा ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद इसमें हम हमने स लिखा, स के साथ ई की मात्रा लगाई, छोटी सी, सी, और उसके साथ हमने शब्द एक लिखा, सिर, सिर। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं बड़ी ई पे, बड़ी की मात्रा। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है, देखिए अगर छोटी ई की मात्रा है तो आपके लेफ्ट से जाएगी, ठीक, और बड़ी ई की मात्रा है तो आपके राइट से जाएगी। आप थोड़ा सा बस इसको ध्यान देंगे लेफ्ट और राइट का, तो तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा कि बड़ी मात्रा कौन सी है ई की और छोटी मात्रा कौन सी है ई की। तो आप अपने लेफ्ट जाओगे तो आपकी छोटी मात्रा हो जाएगी, और आप अपने राइट जाते हो तो आपकी बड़ी की बड़ी मात्रा हो जाएगी, मतलब राइट से।
इसमें कंफ्यूज मत होना, बस लेफ्ट मतलब छोटी की मात्रा लगेगी और राइट मतलब बड़ी की मात्रा लगेगी। अब आते हैं इस बड़ी की मात्रा में, हमने क के साथ ई जोड़ा है, ई की मात्रा को, और ये बना की। तो की के साथ हमने शब्द लिखा की, ठीक है। नेक्स्ट आता है छोटा उ, जिसको हम साउंड में कहते हैं उ। हम जब क आ ई ई पढ़ते हैं तो एक साउंड होता है उसको पहचानने का, जैसे अ आ ई ई, पहले हम जोड़ देते हैं छोटे पे, फिर हम आराम से बोलते हैं बड़े को। तो उसी तरह उ का भी होता है, तो बोलते हैं उ। तो उ हम ऐसे लिखते हैं मात्रा, उ की मात्रा हम ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद से क के साथ हमने उ को ज्वाइन किया तो हमने लिखा कु। ये क के साथ हमने उ की मात्रा जोड़ा तो हम साउंड क्या निकला, कु। उसको प्लस करेंगे दोनों को तो कु, और उसके साथ हमने शब्द लिखा है कुत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है छठा बड़ा उ, साउंड करते हैं, अभी आप मैंने बताया अ आ इ ई उ उ, तो ये है बड़ा उ। बड़ा उ की मात्रा ऐसे लिखते हैं आप नीचे की तरफ, छोटा उ आपका हमेशा ऊपर जाता है और बड़ा उ नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। व्यंजन के साथ जब हम संयोग करेंगे तो ध और उ, धू। उ की मात्रा लगी है इसमें, बड़ी उ की मात्रा धू, ये देखिए नीचे साइड से हमेशा राउंड नीचे की तरफ जाएगा, और जब छोटा उ रहता है तो ऊपर की तरफ घूमता है और ये नीचे की तरफ घूमता है। तो हमने इसके साथ शब्द लिखा धूप। सेवन है री, री की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं, हमेशा नीचे की तरफ जाती है, जैसे कृष वगैरह आप देखते हो, कृष कृष्णा, ठीक है, ऐसे करके तो नीचे लगती है। तो हम इसके साथ म प्लस री, मृ, तो हम इसके साथ शब्द निर्माण करते हैं मृग। अब ऐसा नहीं है कि यही शब्द बनेंगे, आप इसके साथ और मात्रा लगा के अनेकों शब्द आप निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए, ए की मात्रा में ऐसे लिखते हैं और इसके साथ निर्माण करेंगे क प्लस ए, के, ए, ए की मात्रा ए। इसके साथ शब्द हमने लिखा केला, ए की मात्रा लगाई है और केला। नाइन्थ है ए, ए की मात्रा लगेगी, डबल आपका ऊपर की तरफ मात्रा जाएगी, और इसके साथ हम संयोग करेंगे व्यंजन का स और ए, सै। तो हम इसके साथ शब्द लिखेंगे शैर। नेक्स्ट है ओ, ओ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ऊपर एक डंडी और नीचे, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, देखिए जो यहाँ पे ए की मात्रा है वो एक डंडी है, ठीक है, ए की मात्रा में डबल डंडी है, और ओ की मात्रा में नीचे भी एक डंडी है तब उसके साथ ऊपर एक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक। तो उसके साथ हम संयोग करेंगे व्यंजन का ग प्लस ओ, गो, गोली, गोलियां तो आप लोग खेलते होंगे ना, एक गोली होती है खाने वाली जो दवाई की हम बोलते हैं, और एक कंचे वाली गोली, देखा तो होगा ये आपने। नेक्स्ट होता है 11 ओ, ओ की मात्रा में यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ही लगी थी ऊपर डंडी और यहाँ पे डबल हो गई, ठीक है, क के साथ संयोग करेंगे ओ प्लस क, ये हमने लिखा कौन, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, र वर्ण का प्रयोग, र वर्ण का प्रयोग उसमें क्या है, जब र स्वर की रहित होता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर ऊपर ये ऊपर लगाया जाता है। ऊपर का मीन्स क्या, जब स्वर रहित होता है मतलब आप उच्चारण किसी शब्द का करते हो जिसमें र आता है पर वो पूरा नहीं होता है, जैसे आप ये र है ये इस तरह नहीं होता है, तो वो एक तरह से कहते हैं कि मतलब स्वर रहित, मतलब आपको बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना जब आप उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो दिखाई तो नहीं देता पर वो होता है, ठीक, वैसे ही होता है र के साथ। तो र में जब आप ऊपर कैसे लगता है, जब ये स्वर रहित हो जाता है तो ऊपर ऐसे लगता है, ध पूरा ध प्लस आधा र प्लस म, मतलब इसमें हम इसको स्वर रहित करेंगे तो ये हो जाएगा ध, स्वर रहित है तो ये म, और म के ऊपर चला जाएगा र, ये हो जाएगा धर्म। तो यहाँ पे हुआ र स्वर रहित और ये म के ऊपर जाके लग गया, हमने जब बोला धर्म र का प्रोनाउंसिएशन है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना कि इसमें जो साउंड है वो मतलब आप शब्द है लेकिन उसमें साउंड में पता नहीं चल रहा है लेकिन वो होता है, ठीक, वैसे यहाँ पे है कि जब ये स्वर रहित हो जाता है
तो र जो है वो हमेशा नेक्स्ट अक्षर के ऊपर जाके लग जाता है। ये तो हमने यहाँ धर्म लिखा है, या फिर हम कर्म की बात कर रहे हैं, मतलब क प्लस आधा र म, तो यहाँ हमने लिखा कर्म। हमने र का साउंड आ रहा है लेकिन हम र लिख नहीं रहे हैं, तो वो स्वर रहित हो गया है, तो इस वजह से ये म के ऊपर जाके लग गया है। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ, जब जब र स्वर रहित होता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। तो देखा आपने, ये जब ये जो र है ये अगले वर्ण जो उसके नेक्स्ट वाला वर्ण है उसके ऊपर हमने लगा दिया, तो ये ऐसे यूज हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगाया जाता है। अब ये पदेन क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये ड का हमने ये ट ट के नीचे यूज किया, ड के नीचे ये यूज किया, ये क्या हो गया, पदेन, मतलब आधा हो गया, उसका पूरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो आधा है। अब वो किसी के साथ जुड़ेगा तब वो अस्तित्व में आएगा, मीन्स उसका पूरा योग होगा। तो कैसे, र का प्रयोग पदेन रूप में, ये पदेन के रूप में कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जैसे च और क फिर र, तो ये क्या बन गया, चक्र। अब आपने देखा ये नीचे यूज हो गया चक्र, ये आधा च, सॉरी पूरा च, आधा क और र, चक्र। अब ये जो र है ये पदेन हो गया, ये क के नीचे आ गया, इसको ये ऐसे यूज करते हैं, ये जो मात्रा है मतलब पदेन जो हम कहते हैं ये ऐसे यूज करते हैं। और भी शब्द हम ले सकते हैं, ताम्र, देखा आपने ये इसके नीचे यूज हुआ जो पदेन, तो ये इसका ये लगाने का तरीका होता है, ये इसके नीचे आ जाता है, तो र इस तरह भी एक लगता है और इसको र ही होता है। हम इसके नाम देते हैं पदेन, पर र यूज ऐसे भी हम कर सकते हैं। आपने र हमने ऐसे भी यूज किया, र हमने इसको ऐसे भी यूज कर दिया। और नेक्स्ट देखते हैं, र ये ट ड के साथ र का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है। अब ये पदेन आप, इट नॉट मीन्स कि इसके लिए पर्टिकुलर यूज हो रहा है, नॉट, ये हम इसको संबोधन दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही हम इसे संबोधन दे रहे हैं के रूप में किया जाता है। तो ट र क, ये हो गया ट्रक, ये देखिए ये हमने यहाँ नीचे यूज किया ट्रक, ये जो किसी अक्षर के नीचे यूज हो जाता है वो पूरा सेंटेंस। यहाँ पे देखिए र, आ की मात्रा रा प्लस श प्लस ट प्लस र, ये आधा है और ये आधा है, तो ये क्या बनेगा, राष्ट्र, राष्ट्र। ये र कहाँ यूज हुआ, नीचे, जब आप बोलते हैं तो देखिए राष्ट्र, र साउंड में आ रहा है और ये पदेन नीचे यूज हो जाएगा। ऐसे ही है ड्रम, ड आधा र म ड्रम, देखिए ये नीचे यूज हुआ। तो कुछ ये थे जो र होते हुए आप पूरा ऐसे नहीं यूज कर सकते, तो आप उसको इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कहीं ऊपर लग जाता है, फिर इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं और फिर इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है र ही है, लेकिन ये शब्दों के हिसाब से कहाँ यूज हो रहा है वो आपको ध्यान देना है। ओके, अब कुछ हम रिमेम्बर, मतलब कुछ याद कर लेते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें से हमें क्या क्या याद है। जैसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, हमने कहा था ना, अ अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा और क्या है, अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो सभी स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं सभी, वो अ स्वर की, अ मतलब अ की सहायता से ही बोले जाते हैं जो सभी स्वर होते हैं। ठीक, अगर किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं होती है तो वह आधा वर्ण होता है। जैसे हमने बताया आपको, जैसे ये लिखा हुआ है र,
इसमें ये आधा है, यहां पे भी ये क आधा है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो जब इसके साथ मिलता है दूसरा अक्षर तो वो पूरा करता है, उसको कंप्लीट करता है। तो जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं होती है तो वो आधा वर्ण होता है और उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी ना कि जब आधा लिखते हैं तो वो कैसे आधा होगा, उसके नीचे ये हलंत लगा देते हैं तो वो आधा हो जाता है। अध्वनि के मेल से हलंत हट जाता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए कोई अक्षर, ये देखिए जैसे ये कंप्लीट हो गया है, ये जैसे हमने लिख दिया र प्लस म, ठीक, या फिर कुछ और भी आप लिख सकते हो। तो जब ये यहां से हट जाएगा तो ये पूरा अक्षर हो जाएगा, ठीक, ये पूरा हो जाता है। जब पूरा हो जाता है तो उसके नीचे हलंत की जरूरत नहीं होती है। जब ये लगाएंगे तो मीन्स ये आधा है, इसमें स्वर नहीं है। जब इस ये हट जाएगा मीन्स ये पूरा हो गया, मतलब उसमें स्वर है, तो आप उसको पूरा प्रोनाउंसेशन कर, मतलब र, उसको साउंड में पूरा र आएगा, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल एक और देखें, जैसे क प्लस अ, अभी हमने कहा कि अ का कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, बट बिना व्यंजन के सहायता, अगर व्यंजन में स्वर नहीं लगा होगा तो वो पूरा आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, उसका उच्चारण नहीं होगा। तो यही देखिए, जब ये हो गया तो ये पूरा क हो गया, तब आपने देखा इसका उच्चारण होगा क। लेकिन अगर यही इसके नीचे है, ये आधा है, अगर यहाँ पे देखिए जब ये पूरा हुआ तो मीन्स इसके नीचे से हट गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा हुआ, और जब ये आधा है तो उसके नीचे आपने ये हलंत लगाया है, और हलंत लगाने का मतलब ही है कि वो जो व्यंजन है वो आधा है। अब र में उ तथा ऊ की मात्रा सामने लगाई जाती है। र में, जैसे ये र हुआ, र में ऊ की मात्रा सामने लगाई जाती है। ऊ की मात्रा आप समझ में आ गया होगा कि र में, जैसे आप देखते हैं ऊ की मात्रा, र ये र की बात हो रही है कि र में ऊ की मात्रा जो है सामने लगाई जाती है। और र जैसे कि र प्लस ऊ, ये हुआ रू, तो ये सामने लगा, कि ये सामने हमने लगाया, ये हमने सामने, सॉरी, ये हमने सामने लगाया उनकी मात्रा, तो ये ऐसे होगी। इसी को तो हम रुपया लिखते हैं, रुपया, ऐसे ही तो लिखते हैं रुपया, इस तरह लिखते हैं ना रुपया, तो ये ऐसे। तो ये कुछ हमारे जो रिमेम्बर करने के लिए थे वो हमने आपको रिमेम्बर करा दिए, लेसन से रिलेटेड आपके जो पाठ में था वो इससे संबंधित। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से आप अपनी क्वेरी लिख लीजिए और हमें सेंड कीजिए, हम आपकी क्वेरी को जरूर जवाब देंगे। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा पहुंचे। इसके लिए थैंक यू फॉर आपने हमारी वीडियो को देखा और लाइक किया। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।